दोस्तों, जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो संघर्ष के रास्ते में कई उतार चढ़ाव आते हैं। इसी क्रम में जब आपका हौसला टूटने लगता है तो किसी ऐसे की जरूरत होती है जो आपको एक बार फिर से बाउंस बैक करने के लिए प्रेरित कर सके। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी निर्भर मत रहना गैरों पर, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े होते हैं अपने पैरों पर। आज हम ऐसी ही एक मोटिवेशनल स्टोरी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में लाए हैं। नमस्कार, मैं महावीर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड कैलेंडर का ये नया सेगमेंट जिसका नाम है जीवन यात्रा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम बात कर रहे हैं सुधा चंद्रन जी की। सुधा चंद्रन जी का जन्म 3 सितंबर 1964 को केरल राज्य में हुआ। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, लेकिन इसके बावजूद उनके माता पिता ने उन्हें मुंबई में उच्च शिक्षा दिलाई। बचपन से ही सुधा जी को डांस का शौक था, इसलिए मात्र 3 वर्ष की उम्र में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य सीखना आरंभ किया। वे अपनी स्कूल की पढ़ाई के बाद डांस सीखने जाया करती थी। 5 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र तक उन्होंने 75 से अधिक स्टेज शो देकर भरतनाट्यम में उम्दा कलाकार के रूप में शोहरत हासिल की। इसके लिए उन्हें अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, एक दिन जब सुधा अपने माता पिता के साथ तमिलनाडु में स्थित एक मंदिर से वापस अपने घर के लिए बस में सफर कर रही थी, तभी एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी और उसमें बहुत सारे लोग घायल हो गए। जहां से घायलों को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद सुधा जी को पता चला कि उनके पैर की हड्डी टूट गई है। दुर्भाग्यवश उनके टूटे हुए पैर में संक्रमण का खतरा था। डॉक्टरों ने कहा कि अगर इसे वक्त रहते ना काटा गया तो सुधा जी की जान को खतरा है। ये सुनते ही सुधा जी के माता पिता ने डॉक्टरों को उनके पैर काटने की अनुमति दे दी। अब आप समझ सकते हैं, एक लड़की जिसे डांस का शौक है, जो लड़की एक बेहतरीन डांसर बनने का ख्वाब देखती है, अचानक से उसकी दुनिया पलट जाती है। वो चल फिर नहीं सकती, उठकर बैठ नहीं सकती, दिन रात अपने आप को कोसती रहती थी सुधा जी। और यही नहीं, सुधा जी की गंभीर अवस्था का बुरा असर उनके साथ उनके मां बाप पर भी पड़ रहा था, जहां समाज के लोग उन्हें दया और रहम की नजर से देखते थे। उनके माता पिता दिन में बाहर नहीं निकला करते थे, वो अक्सर सब्जी लेने भी रात के अंधेरे में जाया करते थे, क्योंकि सुधा जी की विकलांगता को लेकर आसपास के लोग उनसे अप्रिय सवाल पूछते थे और यह बात सुधा जी को बहुत बुरी लगती थी। और फिर सुधा जी ने प्रण लिया कि वह ऐसा कार्य करेंगी कि जिससे वो लोगों को दिखा सकें कि उनके जीवन में कोई हादसा हुआ ही नहीं, वो जैसे पहले थी वैसे ही आज है। और इसके लिए उन्होंने अपने जीवन में डांस को एक बार फिर से अपना लक्ष्य बना लिया। उन्हें कुछ ऐसा कर दिखाना था कि जिससे उनके माता पिता को उन पर गर्व हो। अस्पताल में पड़े पड़े एक दिन उनकी नजर अचानक इंडिया टुडे के अखबार में छपी मर्कुलियस फूट इस्तिहार पर पड़ी, जहां डॉक्टर सेठी के जयपुर फूट की विस्तृत चर्चा थी। उस इस्तिहार को देखते ही सुधा जी ने डॉक्टर सेठी को एक पत्र लिखा, वह उनसे मिलना चाहती थी। और हुआ भी वही, डॉक्टर सेठी उनसे मिलने को तैयार हो गए। जब सुधा जी डॉक्टर से मिली तो उनको उम्मीद की एक नई किरण नजर आने लगी। उन्हें लगा मैं अपना सपना पूरा कर पाऊंगी। बिना देरी किए उन्होंने डॉक्टर से पूछा
डॉक्टर क्या मैं फिर से चल पाऊंगी, क्या मैं फिर से डांस कर पाऊंगी? डॉक्टर साहब ने कहा, क्यों नहीं, अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप ये सारे काम फिर से कर पाएंगी। फिर क्या था, सुधा जी का ऑपरेशन हुआ। धीरे धीरे उनका हौसला बढ़ता चला गया। उन्होंने दर्दनाक दुर्घटना को भुलाकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए ध्यान देना शुरू कर दिया। अपने नकली पैर के साथ उन्होंने एक बार फिर से डांस सीखना शुरू कर दिया। वो बहुत अभ्यास करती थी, लेकिन इस अभ्यास के दौरान उन्हें बहुत पीड़ा होती थी। पूरे 2 वर्ष बाद सुधा जी अपनी नृत्य कला में उत्कृष्ट हो चुकी थी। उन्हें एक बार फिर प्रदर्शन करने का मौका मिला। जब उन्होंने अपने नकली पैरों से स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस की, तो पूरे हॉल में तालियों की गूंज की गड़गड़ाहट इतनी देर तक बजी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। साथ ही यहीं से उनके बारे में देश विदेशों में चर्चा शुरू हो गई। पत्र पत्रिकाओं में उनके जीवन के बारे में छपने लगा। तभी फिल्म निर्माता रामोजी राव की नजर सुधा जी पे पड़ी। उन्होंने 1984 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम मयूरी था और यह फिल्म तेलुगु में थी। और आपको मालूम है, इस फिल्म की मुख्य पात्र की भूमिका सुधा जी ने ही निभाई थी। इस फिल्म में सुधा जी के नृत्य ने सबका दिल जीत लिया। यह फिल्म काफी सफल रही। बाद में नाचे मयूरी के नाम से यह फिल्म दोबारा हिंदी में बनाई गई। वह फिल्म भी बेहद सफल रही और इस फिल्म के लिए सुधा जी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद सुधा जी की जिंदगी बदल गई। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया और वर्तमान में वो काफी सीरियल्स में नजर आ रही हैं। इसी तरह सुधा चंद्रन ने अपनी विकलांगता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और एक सफल अभिनेत्री बनी। सुधा चंद्रन के जीवन की यह यात्रा हम सबको प्रेरणा देती है कि कैसे एक भयानक दुर्घटना के बावजूद अड़चनों को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया और उन्होंने अपनी विकलांगता के बावजूद दृढ़ निश्चय किया और अपनी इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने सफलता हासिल की। सुधा चंद्रन जी की यह जीवन यात्रा आपको कैसी लगी, आपको कितनी प्रेरणा देती है, यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए बॉलीवुड कैलेंडर.com।